हे गाइस, आज मैं आपको बहुत ही इजी घर की बनी हुई आलू बैंगन की मसालेदार सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। बैंगन आलू की सब्जी तो अक्सर सबके घरों में बनती है। एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए ये कितनी यम्मी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए, फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटे हुए प्याज। प्याज को 2 से 3 मिनट तक कुक करके फिर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कटी हुई अदरक और 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है। इसे तब तक कुक करना है जब तक प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कटे हुए टमाटर, 1/2 चम्मच हल्दी एंड 3/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर लो फ्लेम पर कुक कर लीजिए जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 आलू एंड 250 ग्राम कटे हुए बैंगन और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए मसाला अच्छे से इसमें कोट हो गया है। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। ध्यान रहे आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। 15 मिनट बाद देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ये सब्जी। चलिए आलू भी चेक कर लेते हैं। आलू भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला और कटा हुआ धनिया ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये गरम मसाला मैंने घर पर ही बनाया है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं इसे। तो बस आप इस टेस्टी मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी को रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी एंड कॉमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसी लगी। And share this video with your friends and family. Hit the like button if you like the recipe and subscribe to my channel if you haven't already. Bye guys.